हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं चूड़ीदार कटिंग करके दिखाऊंगी, आसान तरीके से कटिंग करके दिखाऊंगी कैसे कटिंग करता है। सबसे पहले यहाँ कपड़ा को तिरछा कर लेना है, ऐसे ऐसे तिरछा कर लेना है। मैंने कपड़ा को तिरछा कर लिया, यहाँ एक लाइन देना है। यह पाई का माप है 11 इंच, तो मैं इसमें 5.5 रखूंगी। मैं सिलाई मार्जिन के लिए 1 इंच ज्यादा रखूंगी। इसका लेंथ होगी, उसका लेंथ 15 इंच रखना है। ये 6 इंच कमर का बेल है। यहाँ से कराची का माप 15 इंच रखना है। 15 इंच यहाँ से घुटना का माप 25 इंच रखना है। 25 इंच घुटना। यहाँ से पाई का माप 14 इंच रखना है। मैं इसमें 15 इंच रखूंगी। ये आपने हिसाब से रख सकती हो, चाहे तो 16-17 ऐसे रख सकती है। इसमें निशाना देना है। ये करासी है, ये करासी का माप है और ये घुटना है। यहाँ में 8.5 रखना है, तो सिलाई मार्जिन के लिए 1.5 ज्यादा रखना है। 1.5 पाई का माप 15 इंच रखूंगी, तो इसमें 7.5 लेना है। उसमें भी सिलाई मार्जिन के लिए 1.5 ज्यादा रखना है, तो उसके साथ इसको शेप देना है। ये ऐसे होगा, ऐसे यहाँ से मैं काट करना है। इसको भी यहाँ से काट करना है। ये इस तरह है, उसको भी काट करना है। ऐसे थोड़ा सा ऊपर रखना है सिलाई के लिए। इसमें जितना भी माप है यहाँ भी इतना ही रखना है। इसमें 9 इंच है, तो इसमें भी 9 इंच ही रखना है। इसको एक लाइन देना है ऐसे। और यहाँ से इसको मिलाना है इसे। इसे रखना है। इसको काट करना है।
ये ऐसा होगा, ऐसा यहाँ से कमर का बेल देना है। इसमें टोटल होगा 8 इंच। इसको काट करना है। यहाँ बेल का माप होगी, हाफ रखा मैंने, इसको भी काट कर लेना है। ये मैं यहाँ से कड़ाई काट लूंगी। ऐसा हो गया, उसका कटिंग कर लिया मैंने। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको स्टिचिंग करके दिखाऊंगी। अगर फ्रेंड्स अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।